नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। 19 फरवरी 1971 को युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रथम बार नगर आगमन एवं उनके शिष्य डॉक्टर सीएल नीमा के 50वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विविध धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। दीक्षांत समारोह का आयोजन गायत्री महायज्ञ के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से यज्ञ में आहुति डाली गई। इसके उपरांत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी के चित्रों का अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रज्ञा पुत्र ठाकुर सी एल नीमा के 50 वर्षों के दीक्षांत काल के दौरान किए गए विविध कार्यों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। दीक्षांत समारोह में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया, विधायक पीएल तंतुबाय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और 50 वर्ष पूर्ण किए। मैं तो 78 में गायत्री परिवार से जुड़ा, उसके पूर्व में 71 में परम पूज्य गुरुदेव आए थे, लेकिन मैं उस टाइम दीक्षित नहीं हो पाया। हो सकता है इसमें भी उनकी इच्छा हो तो उस टाइम नहीं हुआ, और जब बाद में माखनलाल जी नेमा और शिव कुमार जी दुबे एक पत्रिका देने के लिए आए, तो इनको भी मैंने यही बोल दिया कि भैया मैं पढ़ता मरता तो नहीं हूँ, अब आप आए हो। उस टाइम 7 रुपया की थी, हमने 7 रुपया पकड़ो, हम इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो कहानियाँ आती हैं वो पढ़ते हैं। मुझे क्या पता था कि उस बार गुरुदेव का 5 मिनट का जो प्रवचन था, जिसको मैं छोड़ के भी वापस आ गया था, वो बीजारोपण जो होगा उस टाइम पर, वो 1978 में शांति कुछ हरिद्वार शेष ले गया। हम सी एल नेमा जी और करीब 10-12 लोग गए थे, और उसी टाइम पे ये शक्तिपीठों की श्रृंखला चल रही थी। यदि उसकी छतरी बन करके उसको सुरक्षा कर ले, ये हमें रोज रोज दैनंदिन जीवन में कुछ ना कुछ हमें लगता रहता है, कुछ नया कर दिए। आज 19 फरवरी 2021 है। आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ही दिन 1971 में युग पुरुष वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी के द्वारा हमने दीक्षा ग्रहण की थी। गौरीशंकर जी का मंदिर जहां माँ पीताम्बर विराजमान है, वही स्थान है जहां परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम यज्ञ किया था, और उसी यज्ञ के पश्चात हमने गुरुदेव का कार्य प्रारंभ किया। 1975 में पहली बार शांतकुंज को गए, तब से लगातार शांतकुंज को जाना, प्रशिक्षण लेना, समयदान करना, देश विदेश के पर्यटन में रहे, नेपाल विदेश में, नेपाल क्षेत्र में हमने 5 कार्यक्रम किए, और हर स्टेट में 11 राज्यों में हमने गायत्री परिवार का डंका बजाया, गुरुदेव का कार्य किया। शक्ति तो उन्हीं की थी, ताकत उन्हीं की थी। परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा का तात्पर्य होता है कि हम दक्षिणा माने गुरुदेव की दक्षिणा चुका दें, जन जन को युग निर्माण योजना से जोड़ने के लिए, गायत्री पा से जोड़ने के लिए, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ाने के लिए, और विचारों के द्वारा संसार को बदलने के लिए हम जो है इस कार्य को करते रहे, लगे रहे। हमारा पूरा परिवार हमें सहयोग करता रहा, हमारी धर्मपत्नी ने, हमारे बच्चों ने पूरा सहयोग किया, और आज ये 50वां वर्ष हमारा पूर्ण हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें जो सैकड़ों परिजन आए, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और आहुतियाँ जिनको देना है वो एक एक आहुति मध्यांकन के केंद्र में सदैव अपनी भूमिका निर्वाह करने वाले डॉक्टर सी एल नेमा जी हमारी दृष्टि पथ में हैं। इस रूप में हटा दमोह और मध्य प्रदेश तरह निताय के मूल मंत्र से ना करना ही पड़ेगा, और भगवान अंतरी अंतरिक्ष एवं चांदी पृथ्वी जाती। हटा से खबर समय जगत के लिए भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।